आज भले ही लोग पल पल की खबरों की जानकारी अपने स्मार्टफोन के जरिए ले लेते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब देश और दुनिया की हर बड़ी चीज जानने के लिए रेडियो को एक बड़ा साधन माना जाता था। एंटीना को एडजस्ट करते हुए वो सिग्नल आना और उसमें सुनाई देना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेडियो। ऐसी कहानी आपने शायद सुनी भी होंगी या फिर खुद देखी भी होंगी। आज ही के दिन यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस देश की कई अहम शख्सियतों ने देश को आजादी दिलाने के लिए, लोगों का साथ लेने के लिए रेडियो को अपना साधन बनाया था। चाहे वो रेफ्यूजीज के लिए महात्मा गांधी की अपील हो या फिर 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण जो उन्होंने देश के आजाद होने पर दिया था, सब में रेडियो एक अहम हिस्सा रहा ही था। आज हम आपको इसी वीडियो में आपको रेडियो से जुड़े ही कुछ रोचक किस्से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आप सोच रहे होंगे कि आज का जमाना जो स्मार्टफोन का है, उस जमाने के लिए तो रेडियो बहुत आम बात होगी, फोन में रेडियो खोला और सुन लिया। लेकिन एक दौर ऐसा था जब रेडियो रखना एक लग्जरी लाइफ का हिस्सा था, यानी जिसके घर पर रेडियो था उसे बड़ा आदमी माना जाता था। इतना ही नहीं, रेडियो रखने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता था। 1991 तक ऐसा माना जाता है कि रेडियो को रखने के लिए फीस ली जाती थी। जैसे ही आपका लाइसेंस खत्म हो जाता था, उसे पोस्ट ऑफिस से रिन्यू करवाया जाता था। यह भी कहा जाता है कि इस लाइसेंस के लिए फीस 10 से 15 रुपए की ही थी। अब हम आपको यह बताते हैं कि 13 फरवरी को ही क्यों विश्व रेडियो दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल पिछले दौर में रेडियो की महत्वता बहुत ज्यादा हो गई थी और इसी के साथ साथ लोगों में रेडियो का क्रेज भी बढ़ने लगा था। और आजादी में भी रेडियो का योगदान देखते हुए रेडियो स्पेन अकेडमी ने 2010 में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद यूनेस्को के देशों ने इस प्रस्ताव को माना और फिर ऑफिशियल तौर पर 13 फरवरी को पहला विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय रूप से रेडियो दिवस मनाने के लिए 13 फरवरी की तारीख को चुना गया था। तीसरा किस्सा तब का है जब एक श्रीलंका में शुरू हुए रेडियो स्टेशन ने भारतीय लोगों को दीवाना बना दिया था। दरअसल रेडियो सिलोन, जो श्रीलंका से शुरू किया गया था, इस रेडियो ने 1950 के दशक के समय में रेडियो में हिंदी गाने सुनाना शुरू किए थे। और खास बात यह रही थी कि इस रेडियो ने उस समय के मशहूर हिंदी फिल्मों के गाने ज्यादा चलाए थे। आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन सभी नामी सिंगर्स के गाने रेडियो सिलोन में सुनने को मिलते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में उस समय रेडियो में ये गाने क्यों नहीं सुनाए जा रहे थे। दरअसल उस समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो और उस समय के बाकी सभी रेडियो स्टेशन पर बॉलीवुड गानों को ब्रॉडकास्ट करने पर बैन लगा था। इसी चीज का फायदा रेडियो सिलोन ने उठाया था। भारत की बॉलीवुड प्रेमी जनता उस समय सिलोन के शो बिना का गीतमाला को सुनती ज्यादा नजर आ रही थी और उस समय आकाशवाणी नहीं बल्कि रेडियो सिलोन हर जगह सुनाई देता था। अब हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जब BBC की रेडियो पर एक गलती ने भारत को जंग जिता दी। आप सोच रहे होंगे कि इस किस्से में रेडियो कैसे आ गया। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान में चल रही जंग के दौरान BBC पल पल की खबर रेडियो पर दे रही थी। तब सिलहट में भारतीय सेना के गोरखा जवान जंग के मैदान में थे, लेकिन तब BBC रेडियो में यह ऐलान होता है कि गोरखा ब्रिगेड सिलहट में लैंड कर चुकी है, जबकि सिर्फ 750 सैनिक ही सिलहट में जंग के मैदान में थे। इसे गलती के चलते ही पाकिस्तानी सेना को यह लगा था कि हमारी पूरी लड़ाई गोरखा ब्रिगेड से है, जबकि वहां पर सिर्फ एक बटालियन मौजूद थी और इसी के चलते भारत ये जंग जीत भी गई थी। लेकिन क्या आज रेडियो कहीं ना कहीं जिंदा है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक आज वो देश के 99.1% हिस्से को कवर करते हैं और जाहिर सी बात है इसके बाद से ही रेडियो स्टेशन की तादाद भी बढ़ी है। आज आकाशवाणी के पास 489 रेडियो स्टेशन और FM की आने की वजह से भी कहीं ना कहीं रेडियो आज के युग में भी जिंदा है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।